मेरा नाम रिया है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। अम्मा का बचपन में देहांत हो गया था, इसीलिए पापा ने कभी भी हमसे सख्ती से बात नहीं की थी और भाई ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। मैं कॉलेज जाया करती थी जबकि मेरे भाई यूनिवर्सिटी जाते थे। यूनिवर्सिटी में अभी उनका एक साल बाकी था और उसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती। मेरी तो बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द भाई की शादी हो जाए और भाभी घर आ जाए, ऐसे में घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन भाई अभी शादी के लिए राजी नहीं थे। पहले वे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, उसके बाद कोई नौकरी तलाश करके ही शादी करना चाहते थे। पापा ने भी उन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं किया। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और फिर मेरे भाई की पढ़ाई पूरी हो गई, उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, तब हमने उनकी शादी करने का सोचा। इससे पहले कि हम लोग रिश्ता तलाश करते, भाई ने खुद ही बता दिया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं जो उनकी क्लास में ही उनके साथ पढ़ती थी, उसी से शादी करेंगे। वो बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। भाई की पसंद से हम लोग कैसे इनकार कर सकते थे। जब यह बात मेरे पापा को मालूम हुई तो पापा ने कोई ऐतराज ना किया और भाई से उस लड़की के घर का पता पूछा ताकि हम लोग बाकायदा उसका रिश्ता मांग सकें। मैं बहुत खुश थी कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। मुझे तो हमेशा से ही शादियों का बहुत शौक़ था। मुझे पढ़ाई लिखाई का ज़रा भी शौक़ नहीं। मैं बस शादी करके ससुराल जाना चाहती थी, क्योंकि शादी के मौके पर इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद उसका अपना एक घर होता है। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर जाऊँ और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूँ। कॉलेज में सभी सहेलियाँ ऐसी ही बातें करती थी, किसी की मंगनी तय हो गई तो किसी का रिश्ता तलाश कर रहे थे। ऐसे में मैं ये सोचती थी कि जाने मेरी कब शादी होगी। उन सारी लड़कियों की देखा देखी मेरे अंदर भी यही शौक पैदा हो गया था कि मेरी भी शादी हो जाए। खैर, भाई की शादी होने लगी तो उम्मीद थी कि मेरी भी शादी जल्द ही हो जाएगी, इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी। भाई के कहने पर हम लोग उन लोगों के घर रिश्ता लेकर गए जिस लड़की को भाई पसंद करती थी। लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, सुलझी हुई और सलीके वाली लगती थी। लड़की तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी और पापा को ये रिश्ता मंजूर था, मगर मुझे थोड़ी सी मायूसी इसलिए हुई क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी भाभी किसी बड़े घर की अमीर लड़की हो। लेकिन जब उनके घर जाकर देखा तो वो लोग बहुत ही आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा घर था लेकिन साफ सुथरा था। लड़की के पापा का देहांत हो गया था और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। उनके घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया। पापा ने दहेज लेने से मना कर दिया। हमारे घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक था कि मेरी भाभी अपने दहेज में नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ ताकि मैं अपनी सहेलियों को घर लाकर अपने घर का नया सामान दिखा सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेरी जो भी सहेलियां भाई की शादी पर आई थी, सब ने मेरी भाभी की हुस्न की तो तारीफ की थी, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई को इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी जो साथ में लाखों का दहेज भी लेकर आती। भाई को क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसी लड़की से शादी करने की, और वो भी पसंद की शादी। मगर अब क्या किया जा सकता था। भाई की शादी हो गई और भाभी घर आ गईं। घर आकर उन्होंने सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से संभाली और मेरे घर के कामकाज से मेरी जान छूट गई थी। मगर मैं जो ये सोच कर बैठी थी कि मेरी भाभी किसी ऊंचे घर की होगी और मेरा भी उन्हीं के ख़ानदान में कहीं रिश्ता तय हो जाएगा, भाई जल्दी ही मेरी भी शादी कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भाभी के रिश्तेदार भी उन्हीं की तरह गरीब लोग थे और ऐसे लोगों में तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा को ऐसे भी मेरी अभी शादी नहीं करनी थी। वो तो चाहते थे कि मैं भी भाई की तरह अच्छा पढ़ लिख लूँ, उसके बाद ही वो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। मगर मेरी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मेरा पढ़ने में दिल लगता था। मगर यह बात घर वालों को कभी समझ नहीं आई। मेरी भाभी वैसे तो बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। उन्होंने कभी भी भाभी वाला रवैया नहीं अपनाया था। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन समझा और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। यही वजह थी
कि मैं बहुत जल्दी ही उनके साथ घुल मिल गई और लोगों की बातों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। भाई की शादी को अभी 2 महीने गुजरे थे कि जब मेरे पापा का देहांत हो गया। ये सदमा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा था। अम्मा के बाद पापा ने ही हम सबको संभाला था और वे भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम लोगों ने सब्र कर लिया और अपनी ज़िंदगी में दोबारा से बिजी हो गए। कुछ ही वक्त बाद मेरी भाभी की अम्मा का भी देहांत हो गया और अब वे अपने घर भी नहीं जाती थी। उनके घर में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। भाभी अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान रहती थी। जब से भाभी की अम्मा का देहांत हुआ था, भाभी कहीं भी घर से बाहर न जाती, सारा वक्त अपने कमरे में गुजारती। भाई अपने काम पर चले जाते और भाभी पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती। घर के काम काज ख़त्म करके जाती तो वो मुझसे भी ज़्यादा बात ना करती। शायद उन्होंने अपनी माँ के चले जाने का सदमा बहुत ज़्यादा लिया था, इसीलिए वह परेशान रहती थी। हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि उनके दुख को कम कर सकें। भाई भी जब उनको मौका मिलता था तो भाभी को घर से बाहर ले जाते ताकि उनका दिल बहल जाए, लेकिन अभी तक हालात वैसे के वैसे ही थे, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ था। हमने ये सोचा कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी माँ के देहांत को 2 महीने गुजर गए थे और 2 महीने से मेरी भाभी किसी से भी हंसकर बात नहीं करती थी, सारा वक्त अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करती रहती। भाई ने अपने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले ली ताकि वो घर में भाभी के साथ रह सकें और उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकें। भाई अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुए थे। उन्होंने अपनी छुट्टियां भाभी के साथ ही गुजारी थी और उन्हें ये एहसास दिलाया था कि वो अकेली नहीं हैं। अगर उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई हैं तो हम लोग उनके साथ ही थे। ये भाई की मोहब्बत का ही नतीजा था कि वह दोबारा से अपनी पहली वाली ज़िंदगी जीने लगी थी और अपनी रूटीन में वापस आ गई। डॉक्टर का कहना था कि हम लोग मेरी भाभी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें और दोबारा से कोई भी बड़ा सदमा उन्हें ना पहुंचने दें। ऐसा होने से उनकी दिमागी हालत दोबारा से ख़राब हो सकती है। हम लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वैसे ही खुश रहने लगे थे, मगर शायद ये खुशी भी ज़्यादा लंबे समय की नहीं थी। मेरे भाई को अपने दफ्तर के काम की वजह से दूसरे शहर जाना था। मेरी भाभी उनको भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन ये उनके दफ्तर का काम था, वो उससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। उन्हें हर हाल में जाना ही था। वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। उन्होंने ये कहा था कि वह 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, उन्हें वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 2 ही दिन की बात थी। भाई को घर से निकले हुए 1 दिन गुजर गया था। उन्होंने कहा था कि वह जाते ही हमें फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। भाभी तो पहले से ही उनके जाने की वजह से बेचैन थी और अब उनके फ़ोन ना करने की वजह से वे और ज़्यादा परेशान हो गईं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह अपने काम में बिज़ी होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी, अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया था। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी। वो इतने लापरवाह तो कभी भी नहीं थे। मेरे पास भाई के दोस्त का नंबर था। भाई ने जाते हुए मुझे ये बताया था कि उनका दोस्त भी उनके साथ जा रहा है। फिर मैंने उनके दोस्त को फ़ोन किया और उनसे भाई के बारे में बात की। जब उसने मुझे भाई के बारे में बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई का वहाँ पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो अब अस्पताल में है। हम लोग उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं की, लेकिन अगली सुबह भाई के दोस्त का फ़ोन आया और उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने हमारी आत्मा तक को खींच लिया। उन्होंने बताया कि भाई का देहांत हो गया है। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बच पाई और वो शाम तक भाई को यहाँ ले आएंगे। इस तरह से भाई का चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। भाभी तो पहले ही अपनी मम्मी के देहांत की वजह से परेशान रहती थी और अब इस तरह से भाई का चले जाना। भाई के मरने के बाद भाभी पागल हो गई थी। पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और भाई को याद करती रहती, अजीबोगरीब बातें करती रहती, कहती कि भाई अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मेरा भी भाई के अलावा कौन था। दुख तो मुझे भी उनके जाने का बहुत था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे भाभी को भी संभालना था,
क्योंकि भाभी के मायके वालों में से तो कोई भी नहीं था। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती। मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द पहले की तरह ठीक हो जाएं, ताकि अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी मैं उन्हें इस तरह से नहीं संभाल सकती थी। मुझे भी शादी करनी थी और अपने घर जाना था। जब तक भाभी घर में मौजूद थी, मेरी शादी नहीं हो सकती थी। इस बात को भी 4 महीने गुजर गए, मगर मेरी भाभी वैसी की वैसी ही थी। अब मैं उन्हें इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, वरना सब लोग यही कहते कि मैंने अपनी पागल भाभी को, जो कि मेरे रहमो करम पर थी, उन्हें छोड़ दिया। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना था। कुछ ही अरसा पहले मेरी मुलाकात अभी से हुई थी। वो मुझे रास्ते में एक जगह मिला था। जब मैं घर के किसी काम से बाजार जाती तो वो भी मुझे रास्ते में मिल जाता। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था और पहली नज़र में ही मुझे अच्छा लगा। वो मेरे दिल में उतर गया और फिर इस तरह से किसी बहाने से मैंने उसका नंबर लिया और मैंने उसे बताया कि मेरे भाई का देहांत हो गया है और मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे कोई भी काम होता तो मैं उनसे कह देती और वो खुशी खुशी मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाता। उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से मेरी शादी उससे हो जाए, लेकिन भाभी के यहाँ होते हुए मैं शादी कैसे कर सकती थी। अभी को मैंने अपनी भाभी के बारे में कुछ ना बताया। एक दिन उसने खुद ही मुझसे शादी की बात की और मैं फौरन ही मान गई। मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अकेली लड़की हूँ, शायद इसीलिए वो मुझसे शादी करना चाहता था, ताकि मुझे इज्जत से रख सके और बुरे लोगों से बचा सके। मगर उसका जो भी मतलब था, वो मुझसे शादी करने के लिए राजी था। मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। अब कैसे भी करके मुझे भाभी को अपने रास्ते से हटाना था। इसीलिए मोहल्ले में जो भी औरतें मुझसे मिलने आती तो मैं उनसे यही कहना शुरू कर देती कि मेरी भाभी अब पूरी तरह पागल हो गई हैं। मैं लोगों से झूठ कहती थी कि भाभी पागलपन में दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लोगों पर हमला कर देती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी पागल नहीं, बस भाई के चले जाने की वजह से वे सदमे में थी। उन्होंने कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। लोगों ने भी मेरी बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर मैंने एक दिन भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। आसपास के लोगों से मैंने यही कहा कि मेरी भाभी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उन्हें अस्पताल में भिजवा दिया है, ताकि वहाँ पर उनका अच्छे से इलाज हो सके। सब लोगों ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि मैंने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया और अगले ही दिन मैंने अभी से शादी कर ली। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि कोई भी मुझसे भाभी के बारे में कुछ नहीं पूछता था, जबकि मेरे पति को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं अपने घर को ताला लगाकर अपने पति के घर आकर रहने लगी। अपनी खुशी में इस बात को भूल ही गई थी कि मैं भाभी को स्टोर रूम में बंद करके आई हूँ। मेरी शादी को 2 दिन गुजरे थे कि मुझे पग फेरे के लिए घर जाना था। शादी के बाद जब पहली मर्तबा मायके आई तो अचानक से मुझे भाभी की याद आई। मेरा पति मुझे मेरे घर छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया। जैसे ही भाभी की याद आई तो परेशान होकर फौरन स्टोर रूम की तरफ भागी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ न हुआ। अचानक से जैसे ही मेरी नज़र स्टोर रूम के दरवाजे पर गई तो मेरा पति वहाँ पर खड़ा हुआ था और ये सारा मंजर देखकर हैरान था। उसने मुझसे मेरी भाभी के बारे में पूछा तो मैं चुप रही। हम लोग फौरन से मेरी भाभी को अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन भूखा रहने की वजह से वह बेहोश हो गई थी, जैसे ही वो थोड़ी बेहतर हुई हम लोग उन्हें अपने साथ लेकर घर आए। जब मेरे पति ने मुझसे पूछा तो अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसीलिए मैंने सारी हकीकत बता दी कि किस तरह से शादी करने के लिए मैंने अपनी भाभी को सब लोगों की नज़रों में वाकई में पागल करार दे दिया था और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। सारी बातें सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वे हमेशा से ही ऐसा ही था, नरम दिल और सब लोगों की तकलीफ को महसूस करने वाला। मैं जानती थी कि उसे ये बात बहुत बुरी लगी होगी कि मैंने अपनी ही भाभी के साथ ही ये सब कुछ किया था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा थी, मगर मेरा पति मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं कैसे अपने ही भाई की पत्नी के साथ ये सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी,
बल्कि हम लोग इनका इलाज करवाएंगे और इन्हें अपने साथ ही रखेंगे। इस बात पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था और उसके बाद मेरी भाभी मेरे ही घर पर रहने लगी। हम लोग उनका इलाज करवा रहे थे। मेरा पति मेरी भाभी की बहुत तरफदारी करता, उनसे हमदर्दी जताता और उनकी बहुत फिक्र करता। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंदर ही अंदर मुझे अपनी भाभी से नफरत होने लगी। मैं जो इन सारी चीज़ों से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी दोबारा से मेरे सामने आ गई थी और मुझे दोबारा से अपनी भाभी का ख्याल रखना पड़ रहा था अपने पति को खुश करने के लिए। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई है। मेरे हिस्से की खुशियां तो मुझसे दूर हो गई थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती या फिर भाभी के कामों में लगी रहती। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। एक दिन मेरा पति घर पर मौजूद नहीं था तो मैंने अपनी भाभी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि वो यहाँ से दूर चली जाएं, मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। और मैंने ये भी सोच लिया था कि अपने पति से मुझे क्या कहना है। जब मेरा पति घर वापस आया तो मैंने बहाना बनाया और अपने सर पर खुद ही चोट मार ली और ये कहा कि मेरी भाभी सच में पागल हो गई हैं, मेरे सर पर कोई चीज़ मारकर घर से भाग गई हैं और मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मिली नहीं। मैं जानती थी कि मेरा पति मेरी बात पर यकीन कर लेगा और मैं ये भी जानती थी कि अब मेरी भाभी कभी लौट कर इस घर में नहीं आएंगी क्योंकि मैंने उन्हें सुबह घर से निकाला था और अब शाम हो गई थी। पूरे दिन में जाने वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई होंगी। मगर मेरा पति वो फौरन ही घर से बाहर निकला। रात की तकरीबन 1 बजे जब घर का दरवाज़ा बजा और मैंने खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो मेरी भाभी को घर वापस ले आया था और उसी वक्त उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया ये कहते हुए कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके घर में रहूँ। उसने तो ये सोच कर मुझसे शादी की थी कि मैं एक बेसहारा नरम दिल लड़की हूँ, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मैं अपनी खुदगर्जी में आकर क्या कुछ कर जाती हूँ। मैंने पहले भी अपनी खुदगर्जी में अपनी भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया था और अब भी मैंने उन्हें घर से निकाल दिया ये सोचे बगैर कि बाहर की दुनिया कितनी ख़तरनाक है और जाने लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। मेरे पति ने कहा कि वह ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जिसके पास दिल और एहसास नाम की कोई चीज़ ना हो। मुझे अपनी गलती का सच में एहसास हुआ था लेकिन अब शायद वक्त मेरे हाथों से निकल चुका था। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मेरी भाभी को पहले से जानता था। जिस यूनिवर्सिटी में मेरा भाई और भाभी पढ़ते थे मेरा पति भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो मेरी भाभी को पसंद करता था लेकिन मेरी भाभी मेरे भाई को पसंद करती थी, इसीलिए उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं पूरी रात दरवाजे पर बैठी रही। सुबह मेरे पति ने मुझे बाहर देखा तो वो मुझे घर में ले गए। अब हम दोनों उस घर में रहती थी लेकिन वो मेरी भाभी नहीं थी बल्कि मेरे पति की दूसरी पत्नी थी। मगर उसने कभी भी मुझसे किसी भी पुरानी बात का बदला नहीं लिया और ना ही मुझे उस घर से निकालने की कभी कोशिश की थी। हालांकि मेरा पति उससे बहुत प्रेम करता था, अगर वो कहती तो शायद मेरा पति मुझे छोड़ भी देता, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैंने भी सारी पुरानी बातों को भुला दिया था, नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज किया, उनके साथ मिलकर हंसी खुशी एक ही घर में रहने लगी थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।